दोस्तों, आज हम बीएमसी के सीमेंट टॉपिक का क्विक रीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जेई में जो बीएमसी का वेटेज रहता है वो 20 to 25 मार्क्स का रहता है, और जिसमें से सीमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो 5 to 7 क्वेश्चन हमारे सीमेंट टॉपिक से आते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आज के सेशन में हम सीमेंट के अंदर जितने भी सब टॉपिक हैं सभी को शॉर्ट में कवर करेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, आज हम इस सेशन में किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट के जो 4 टॉपिक हैं इन पे आज हम बात करने वाले हैं, और जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, थर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड लास्ट क्लिंकर कंपोजिशन। तो इन चारों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो जोसेफ एस्पेटिन एक पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट आपका इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 1824 में। नेक्स्ट, सीमेंट एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल होता है जो वाटर के प्रेजेंस में कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है आपकी जब सेम टाइप के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं तो वो कोहेसिव प्रॉपर्टी कहलाती है, और एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है जब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं तो उसे हम एडहेसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल का कैल्सिनेशन करना होता है, देन उसके बाद हमारा क्लिंकर फॉर्म होता है, और क्लिंकर का पॉलिमराइजेशन करके हमें सीमेंट ऑब्टेन हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होती है आपकी नेचुरल सीमेंट स्टोन से, या फिर आर्टिफिशियली हम कैल्सीरियस और आर्जिलिशियस रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं आर्जिलिशियस और कैल्सीरियस रॉ मटेरियल की। आर्जिलिशियस जो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनमें एल्यूमिना का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, एल्यूमिना का जो कंटेंट होता है वो हाई होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। और इसके जो एग्जांपल होते हैं वो है आपका सेल, क्ले, सीमेंट रॉक, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, मार्ल, ठीक है। और जो कैल्सीरियस रॉ मटेरियल होते हैं उनमें लाइम का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, लाइम का जो परसेंटेज होता है वो सबसे हाई होता है। और इसके जो एग्जांपल हैं वह है लाइम स्टोन, चौक और मरीन सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइम होता है सबसे ज़्यादा हमारे सीमेंट में, इसका परसेंटेज होता है 60 to 65%, एवरेज 63% लेते हैं। और जो लाइम होता है वो हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। कौन सी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को, जो विद इन 1 ईयर लेटर आती है आपके सीमेंट में। और इसी के साथ साथ जो हमारा लाइम होता है वो साउंडनेस को भी कंट्रोल करता है। अब साउंडनेस, ठीक है, जो ये टर्म आया है यहाँ पर इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो जो साउंडनेस होती है वो मेनली होती है वॉल्यूम चेंज, ठीक है, वॉल्यूम चेंज। तो अगर हमारे सीमेंट सेट होने के बाद उसके जो वॉल्यूम है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो तब हम कहेंगे कि हमारा जो सीमेंट है वो अनसाउंड है। और अगर सेट होने के बाद हमारे सीमेंट में कोई भी वॉल्यूम चेंज शो नहीं होता है तो हम कहेंगे कि हमारे सीमेंट साउंड है, ठीक है। अब जो लाइम होता है अगर वह एक्सेस में हो जाए, ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो क्या करता है, हमारे स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम दोनों को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट सिलिका, सिलिका 70 to 25% होती है और एवरेज 20% होता है। ये हमारे सीमेंट को अर्ली स्ट्रेंथ देती है, और अगर ये एक्सेस में हो जाती है तो क्या करती है, हमारे सीमेंट को जो सेटिंग रेट होता है, ठीक है, सेटिंग टाइम होता है, उसे क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, मतलब स्लो कर देती है। नेक्स्ट एल्यूमिना, एल्यूमिना का जो परसेंटेज होता है वो 3 to 8% होता है, एवरेज 6% लेते हैं। और ये हमारे सीमेंट में क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारा एल्यूमिना एक्सेस में हो जाता है तो हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ को लो कर देता है। आयरन ऑक्साइड जो होती है वो 0.5 to 6% होती है, एवरेज 3% लेते हैं।
और ये हमारे सीमेंट को कलर प्रोवाइड करती है, ग्रे कलर। ठीक है, ये हमारे सीमेंट को ग्रे कलर प्रोवाइड कराती है, और कैल्सिनेशन के दौरान ये अदर इंग्रेडिएंट्स के फ्यूजन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशिया। मैग्नीशिया 0.5 to 4% होती है, एवरेज 2% लेते हैं, और ये हमारे सीमेंट को हार्डनेस और कलर प्रोवाइड कराती है। जो मैग्नीशिया के कारण कलर आता है सीमेंट में, वो आता है आपका येलो टिंट। ठीक है, येलो टिंट कलर आता है मैग्नीशिया के कारण। और अगर मैग्नीशिया का कंटेंट ज़्यादा होता है तो हमारा सीमेंट क्या हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है, और सेट होने के बाद उसमें क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सोडा और पोटास, इसको हम एल्कलीज भी बोलते हैं। ठीक है, एल्कलीज भी बोलते हैं इनको, और इनका जो परसेंटेज होता है वो 0.5 to 1.3% होता है, एवरेज 1% होता है। अगर ये हमारे सीमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो हमारे सीमेंट में इफ्लोरेंस और क्रैकिंग आ जाती है। लास्ट है आपका सल्फ़र। सल्फ़र होता है आपको 1 से लेके 2.5% तक, और एवरेज 1.5% होता है। अगर ये हमारे सीमेंट में प्रेजेंट होता है तो हमारे सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। जो ये स्लाइड है इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो लाइम होता है और सिलिका एल्यूमिनियम, ये तीनों हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ से रिलेटेड होते हैं, और इनके तीनों के प्रोपोर्शन में अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं, कम या ज़्यादा, तो वो हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट मैग्नीशिया, सल्फर और आपका लाइम, अगर इन तीनों का कंटेंट हमारा सीमेंट में ज़्यादा होगा तो हमारा जो सीमेंट है वो क्या हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा। सेट होने के बाद उसमें वॉल्यूम चेंज काफ़ी ज़्यादा होगा। लास्ट सोडा और पोटाश, अगर ये हमारा सीमेंट में प्रेजेंट होगा ज़्यादा मात्रा में तो हमारे सीमेंट में इफ्लोरेंस और क्रैकिंग को क्या करेगा, शो करेगा। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की। तो आपको शो रहा होगा एक फ्लो चार्ट, तो इस फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं। मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है, इसमें से SSJEE में काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा शॉर्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, देन उसके बाद उनका स्टोरेज करते हैं, फिर उनके प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। ठीक है, कि लाइम कितनी मात्रा में चाहिए, सिलिका कितनी मात्रा में चाहिए, वो हम डिसाइड करते हैं। देन इसके बाद इन्हें हम ट्यूब मिल में क्या करते हैं, क्रश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आया पोल्वराइज। ठीक है, हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था कि पोल्वराइजेशन क्या होता है। तो पोल्वराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी मटेरियल के सॉलिड पार्टिकल्स को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पोल्वराइज करने के बाद जो रॉ मटेरियल होता है उसे हम रोटरी किलन में बर्न करने के लिए सेंड कर देते हैं। देन उनका वहाँ पर क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन क्या होती है, कैल्सिनेशन ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी रॉ मटेरियल को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। अब कैल्सिनेशन से होगा क्या कि हमारे जो रॉ मटेरियल होंगे वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, आपस में बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, उससे होता है हमारा क्लिंकर फॉर्म। देन क्लिंकर थोड़ा कूल डाउन होता है, उसके बाद क्या करते हैं हम उसको फिर से ट्यूब मिल में या बॉल मिल में क्या करते हैं, पोल्वराइज कर देते हैं। देन उसके बाद उसमें हम 2 to 3% के मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम एक तरीके से रिटार्डर है जो हमारे सीमेंट के सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे हमारा सीमेंट क्या होगा, थोड़ी देर में जमेगा। ठीक है, उसको प्लेस करने के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। देन इसके बाद हम स्टोरेज करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसको मार्केट में सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रोटरी किलन में होता है वो 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और कैल्सिनेशन के बाद जो हमारा क्लिंकर फॉर्म होता है उसकी जो साइज़ होती है वो 3 to 20 mm के बीच होती है।
और मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होती है वो दो टाइप से होती है, आपकी ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस से। ड्राई प्रोसेस जो होती है वो आपकी मॉडर्न प्रोसेस है और एब्सेंस के ऑफ वाटर के अंदर होती है, और जब हमारा रॉ मटेरियल काफ़ी हार्ड होता है तब यूज़ किया जाता है और काफ़ी कॉस्टली होती है। वेट प्रोसेस आपकी ओल्ड प्रोसेस है और ये वाटर के प्रेजेंस में होती है, और जब हमारा रॉ मटेरियल सॉफ्ट होता है तब यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं क्लिंकर कंपोजिशन की। तो जब कैल्सिनेशन के बाद हमारा क्लिंकर फॉर्म होता है तो उसके अंदर मेनली चार कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम बोक कंपाउंड कहते हैं। तो ये होते हैं आपके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड लास्ट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट। इनके केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, और इनके नेम है एलाइट, पिलाइट, सिलाइट एंड फिलाइट, एंड सिंबल हैं C3S, C2S, C3A, C4AF। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट में आता है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। इसका जो परसेंटेज होता है वो 25 to 50% होता है, एवरेज 40% होता है। और ये चारों बोक कंपाउंड में इसकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है और ये अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे सीमेंट को जो विद इन 7 डेज़ के अंडर आती है। साथ ही साथ ये फ्रीजिंग और थ्रोइंग को भी रेजिस्ट करता है, और इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो 500 जूल पर ग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट की, C2S। इसका जो परसेंटेज होता है वो 25 to 40% होता है, एवरेज हम 32% लेते हैं, ठीक है। इसका जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन रेट जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है, और ये हमारे सीमेंट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसकी जो केमिकल रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है, लेकिन इसकी जो थ्रोइंग और फ्रीजिंग की रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो 260 जूल पर ग्राम होता है, जो कि सभी बो कंपाउंड में सबसे मिनिमम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, C3A की। इसका जो परसेंटेज होता है वो 5 to 11% होता है, एवरेज 10.5% होता है। ये जो कंपाउंड होता है बो कंपाउंड, ये वाटर के साथ सबसे पहले रिएक्ट करता है और क्विक सेटिंग के लिए, ठीक है, क्विक सेटिंग या इनिशियल सेटिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। बट ये क्या होता है, सल्फेट अटैक के लिए क्या होता है, रेजिस्ट नहीं कर पाता है। अगर ये हमारा ज़्यादा मात्रा में होता है तो हमारे सीमेंट में सल्फेट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर देखो होगा क्या, अगर हमारा सेटिंग टाइम डिक्रीज़ होगा, मतलब कि हमारा जो सीमेंट है वो जल्दी सेट हो जाएगा, तो क्या होगा, सीमेंट जमने के बाद उसमें श्रिंकेज होगा, सिकुड़न होगी, और उसमें क्रैक डेवलप होने के चांसेस हमारे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो 865 जूल पर ग्राम होता है, जो सभी बोक कंपाउंड में सबसे मैक्सिमम होता है, और ये वाटर ऐड करने के साथ 24 आवर्स में पूरा हाइड्रेट हो जाता है। सो लास्ट में आता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट C4AF। इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 8 to 14%, एवरेज 9% होता है। ये हमारा फ्लैश सेट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, बट C3A से कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसकी, ठीक है, और इसकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है वो सबसे पुअरेस्ट होती है अमंग आपके बो कंपाउंड में से। अगर इसके कंटेंट को हम बढ़ा देंगे तो हमारे जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो होती है 420 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।